गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए। और आप सबकी दुआ से, भोले बाबा की श्रद्धा से और उनके कृपा से मैं आप आज यहाँ पर हूँ। और आप सबका बहुत बहुत प्यार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज। और आज का ब्लॉग इसी साड़ी से रिलेटेड ब्लॉग पूरा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंट्री कीजिए मेरे ब्लॉग। हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। हैप्पी शिवरात्रि, गुड मॉर्निंग सभी को। सुखमय शिवरात्रि के साथ जो मतलब हो रहा है ना, रेन हैवी की वजह से आज की भी दिखा रखी है भारी बारिश। उनको भगवान सभी तरह से अच्छे से रखे, शिव शंकर भगवान की। इसी तरह की अनुकंपा के साथ शुरुआत करते हैं अपने दिन की। आज का व्लॉग आपको आज के दिन ही देखने के लिए मिलेगा। बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और सुनील जी जा रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, मतलब छत पे। जो आप सबको पता है कि हमारा वर्किंग वर्क चल रहा है, मतलब काम जो चल रहा है, और वो भी अपडेट दूंगी मैं, बीच में व्लॉग में डाल दूंगी। तो आप देखते रहिए और मिलते रहिए मेरे चैनल में इसी तरह से। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। जो आप सबका सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ब्लॉग का एंजॉय फॉलो। जैसे भोले बाबा की धूम बहुत ज़्यादा चल रही है, कांवड़ियाओं का मेला लगा हुआ है, आज है जल, तो जल चढ़ाने के लिए जितने भी कांवड़ियाँ आज अपने अपने मंदिर पे पहुँच जाएंगे। मैं भी शिवरात्रि पे जल चढ़ाने तक व्रत हूँ और जल चढ़ाने के बाद भोग ले लूँगी। हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। आज के लिए के साथ आ गई मैं आप सबके बीच में इसी तरह से। हैप्पी शिवरात्रि। आज की छुट्टी किस लिए मैं नहीं बताऊंगा। सुबह सुबह का रिएक्शन ही ऐसा दे रहा। आज भोले बाबा का दिन, भोले बाबा पता है कौन घर पर हो गए शांत। आज पागल ही। और मेरे स्टाइल इसलिए है कि सुबह सुबह आपको देखने के लिए मिली होगी मेरी बहन। सुनिए यहाँ से बास्केट निकाल दी पूजा वन और सुबह निकालेंगे बास्केट और मैं करूँगी और आज करेंगे मंदिर की जो ये है ना भोले बाबा मेरे। ये रब रब भोले जिसकी दुआ से मेरे पास सब कुछ आज। तो सर पे पल्लू जरूर रखिए क्योंकि जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमेशा ढका हुआ सर जरूर रखिए। बोले बाबा आपको सभी को खुश रखे यही दुआ रहेगी। और अब लगाएंगे अपना ये धूप ना, ये जो ले लिया ना तुलसी जी पे लगा लिए। तो यहाँ की तो पूजा हो चुकी है, सेजल लेने गया फूल वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अब हम चलेंगे मंदिर पर उसमें। ये पूजा की थाली तैयार हो गई है, ये भी फूलों के साथ, और ये जल का लोटा, और ये देखिए मेरा फ्लावर। और अब ले लेंगे कच्चा दूध जो है इसमें, ये भी डाल लेंगे।
और पुष्प और वो चढ़ाकर आज की शिवरात्रि जल वगैरह थोड़ा सा इसमें कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे सारी श्रद्धा किसी को भी नहीं होगी तो मैं निकाल दिए, क्योंकि पहले से ये बहुत भरा हुआ रहने दो। ठीक है, और अब चलेंगे शनिदेव महाराज की जोत जलाने के लिए। जो आप देख रहे हैं आगे दिखेगा आपको हमारा नीम है, और एक हो जाएगी इसमें परिक्रमा भोले बाबा की। चलिए, और मंदिर में से कभी भी मतलब उल्टा नहीं किया, सीधा नहीं। और शिवरात्रि आज सैटरडे के दिन पड़ी थी, और हमारे यहाँ पर आपने पहले भी देखा होगा शनिदेव का मंदिर है, हनुमान बाबा का मंदिर है, और यहाँ पर शनिदेव महाराज को भी भोग लगा लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और तेल की जो जो यहाँ पर जल रही है उसी को मैं तेल अर्पण कर दूँगी। और आई थिंक आपको अगर कुछ भी दान पुण्य करना हो तो आज के दिन का बहुत अच्छा महात्म है। और जल चढ़ाने तक ही मैं व्रत रही थी, फिर मंदिर में जाकर मैंने पूजा कर ली थी। अब आ गए हम अपने देवताओं को, हम देखिए महाराज किस तरह से सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। ये हमारे देव महाराज देव तरह से होते हैं, तो आज काफी यहाँ हम चढ़ा देंगे और जितने भी शादियाँ और वो सब होते हैं ना हमारे यहाँ पे ये नहीं पे। अब जाएंगे हम अपने बाबा जी के यहाँ, ये हमारे बाबा इनका गेट किसी ने तोड़ दिया फेंक दिया ना। तोड़ दिया किसी ने तो ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पर नहीं रहते ना हम, देख के आज एक भी हो गई है धीरे धीरे ना सारे मंदिरों की वो तोड़ रही थी, और अब क्या किया गेट तोड़ दिया इसका सिल्वर, ताकि बेचने वालों ने जो मेसाइडी होते हैं ना वो करते हैं ऐसे कामों को। और बाबा जी का धूप जलाएगा शिव भोलू बाबा अपने बाबा। चलिए ये इनके बाबा हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। देखिए कितने बेवकूफ होते हैं कुछ लोग, एक नशे के चक्कर में देखो एक सिल्वर का गेट था यहाँ पर, आपने पहले भी मगर मेरी वीडियो ना देखी हो तो देखना। ये बहुत सुंदर है हमारे मंदिर का, बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो हम आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। पैर छू लो बाबा के, बाबा जी सब पर ऐसी कृपा रखे है ना। तो चलिए चल अपने साथ ले, कितना बेवकूफ है, अपने घर की तैयारी हो रही है और आप हम चल रहे हैं पूजा हो गई। ये है हमारा मंदिर, आप देख ही रहेंगे, और मंदिर से भी ऐसे निकलेंगे मंदिर से भी ऐसे निकलेंगे ताकि हमारी सारी अनुकंपाएँ पूरी हो। और किसी तरह से महादेव शिवरात्रि है आज की, और भोले बाबा पर जो भी जल चढ़ाने गए थे उनकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो। तो आज का दिन बहुत बड़ा होता है हमारे यहाँ पर, और ये है हमारे यहाँ का व्यू। और फाइनली इसने लगा दिया क्या, दिखा कहाँ से लेकर ये लेकर हनुमान बाबा का, क्योंकि आज शनिवार भी है। और अब मैं चढ़ाऊंगी भोले शंकर पर माला जो मैं वहाँ छुआ के लेकर आई हूँ। ये बार बार मेरे से पूछ रहा था, क्या पूछ रहा कहाँ ना चढ़ाओगे क्या, इस माला वापस के ले जा रही, इस माला वापस के ले जा रही हूँ। अरे जब घर में मंदिर है
भोले बाबा का, तो मंदिर में ही चढ़ाऊंगी ना, वहां तो बहुत चढ़ाने वाले हैं, और जो अपने बाबा हैं वे खाली नहीं, ऐसा तो ना हो सकता ना। जय हो भोले बाबा। मंदिर से आने के बाद हमारी चाय चल रही है, एक्स्ट्रा चाय हो रही सुबह सुबह मॉर्निंग में। ये शिवम लाया था लेज वाले जो हम खाते हैं, और ये कोकोनट वाले बिस्किट। किसकी अभी तक वही सब चॉइस है, मेरी तो यही है, छोटी छोटी स्क्वायर से 5-5, 10-10 रुपए की चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और देखो कुरकुरे का साइज, देखिए 5 रुपए कुरकुरे का साइज। दूसरा फ्लेवर कौन सा है इसका? अच्छा, और टेढ़ा मेढ़ा कौन सा अच्छा लगा? टेढ़ा मेढ़ा है ये। सिवी अब तू रह रहा है नहाने बिगड़, ठीक है अब नहाएगा। अच्छा लो मैं पी लूँ चाय और फिर करूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि अभी की वीडियो अभी डालूँगी। चलिए आज का व्लॉग आज ही डाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एवरीवन, इसी तरह से इन्जॉय करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेगी। बाय बाय।